नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीमा पार से पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान इस बार जो किया उसके बारे में अब तक कोई सोच भी नहीं सकता है। किशनगंगा के रास्ते पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में हथियार भेजने की बड़ी साजिश रची है। सुरक्षा बलों ने थर्मल इमेज जारी कर बताया है कि कैसे हिंदुस्तान में किशनगंगा को पार कर हथियार भेजने की कोशिश में जुटा था पाकिस्तान, और देश को झकझोर देने वाली खबर है ये। ये थर्मल इमेज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 9 अक्टूबर शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को जब किशनगंगा में जब हलचल देखी तो फिर ऑपरेशन शुरू किया गया बड़े स्तर पर। आप तस्वीर को गौर से अगर देखेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 आतंकी एक ट्यूब के जरिए मौत के सामान को किशनगंगा नदी के जरिए हमारी सीमा में भेजने की लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हलचल बढ़ी, सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंच गए जहां ये हलचल देखी गई थी। वहां से सेना ने 2 बैग जब्त किए हैं। ये भारी हथियार बरामद हुए हैं वहां से, जिसमें 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और कारतूस मिले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश जिसमें जुटा हुआ था पाकिस्तान, सबसे पहले सुनिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करण सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है, और हमारे जवान जो सतर्क थे हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की मदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है, और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से बॉर्डर पर एक्टिव है, और इसी के चलते जो है पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। बॉर्डर से ये बड़ी खबर है, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से चीन एक तरफ शांत हुआ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एक्टिव हो गया है। नदी के जरिए हथियार जो है भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। अब टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं जो पूरी जानकारी इस मामले में देंगे ग्राउंड जीरो से। साथ ही मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AGP जैनी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवात सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे वरुण सिन्हा के पास जाना होगा जो कि पाकिस्तान की इस नापाक साजिश की पूरी डिटेल सबसे पहले दर्शकों को समझाएंगे, बताएंगे ग्राउंड जीरो से। रही हूं वरुण आपके पास, सबसे पहले पूरी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची गई एक बार फिर से। देखिए, बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। लगातार सर्विलेंस सिस्टम और थर्मल इमेजेस के जरिए हम लोग नजर रखे होते हैं, और नजर रखते हुए हमने सीधे तौर पे देखा कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ पहली बार उन्होंने ये कोशिश ये करी कि अपना जो भी सामान है, यानी कि जो भी हथियार थे, उसको किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराया जाए नदी के रास्ते, उसका प्रयास करते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे।